भारत और कनाडा के बीच तानातानी बढ़ती हुई दिख रही है। इस बीच भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत ने कहा है कि कनाडा में मौजूद सभी भारतीय नागरिक और यात्रा पर विचार करने वाले लोग अत्यधिक सावधानी बरतें। सीमा हैदर ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए महिला आरक्षण बिल की तारीफ की है। सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी करते हुए इस बिल पर अपनी राय दी है। सीमा ने कहा कि भारत सरकार महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रही है। इस गणेश चतुर्थी के खास मौके पर जहां एक और आम से लेकर खास तक अपने घर बप्पा को लेकर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपने घर नई चमचमाती लग्जरी कार लेकर आई हैं। नई लग्जरियस गाड़ी की कीमत इंडिया में 2.92 करोड़ रुपए के आसपास है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार ने संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटा दिए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान से ये दोनों शब्द हटा दिए गए हैं और इन दोनों शब्दों का ना होना चिंता की बात है। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने वाराणसी के ज्ञानवापी की तर्ज पर आगरा की जामा मस्जिद के ASI सर्वे करवाने की याचिका कोर्ट में डाली है। इस याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं ठाकुर देवकी नंदन ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो सनातन यात्रा शुरू कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ में RSS की एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। सड़क की ऐसी दुर्दशा देख CM योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर अधिकारियों की क्लास लगा दी। CM का गुस्सा देखकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। इस बीच दूसरी सूची तैयार हो गई है जो कि 25 सितंबर तक कभी भी जारी की जा सकती है। इस सूची में 40 से 60 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे के अधिकार क्षेत्रों में परिचालित होने वाली ट्रेन पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में अपने सामान्य समय एवं मार्ग पर चलेगी, क्योंकि कुर्मी संगठनों ने बुधवार से प्रस्तावित अपना अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन वापस ले लिया है। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने चोट लगने पर जल्द घाव भर जाए इसको लेकर एक शोध किया गया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने सांप के जहर से एक मरहम बनाया है। IIT जोधपुर ने इसका पेटेंट भी ले लिया है। IIT जोधपुर के वैज्ञानिक पिछले 4 साल से इस पर शोध कर रहे थे। इसके परीक्षण में सफल परिणाम मिले। देश भर में प्याज की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में सभी 15 APMC से प्याज खरीदने वाले 500 से अधिक व्यापारियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। व्यापारी मंडियों में प्याज की नीलामी में भाग नहीं लेंगे और इसका असर देश के विभिन्न हिस्सों में प्याज की आपूर्ति पर पड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम भिलाई अंतर्गत सेक्टर 1 नेहरू सांस्कृतिक भवन में आयोजित आभार सम्मेलन में शिरकत करने से पहले यहां पर 65 करोड़ 75 लाख 12,000 रुपए के लागत वाले 48 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। गुरुग्राम में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के दिल्ली जोन के चीफ इंजीनियर कार्यालय हैट्री हाउस के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। मार्क जुकरबर्ग का नाम उन प्रभावशाली लोगों में शामिल हो गया है जो भारत के कायल हो चुके हैं। मार्क जुकरबर्ग पहले भी भारत की प्रशंसा कर चुके हैं। ताजा मामले में उन्होंने भारत को वर्ल्ड लीडर करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग और कंपनियां टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे आगे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने का मुद्दा गूंजा। जापान ने कहा कि पूरे विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगुवाई करना चाहता है। वहीं ईरान ने अमेरिका पर पूर्व के परमाणु समझौते पर लौटने के लिए इच्छा शक्ति दिखाने की बात कही। ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में मोहम्मद सिराज नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। पिछले रैंकिंग में उनकी रेटिंग 643 की थी और वे नंबर 9 पर थे, लेकिन अब उनकी रेटिंग 694 की हो गई है और जोश हेडलवुड को पीछे कर वे नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं।